हेलो ऑल ऑफ यू, टुडे वी सी हाउ टू फाइंड आउट एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर इन टू वेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दिस इज द मल्टीमीटर. ऑन दैट मल्टीमीटर दिस COM, दैट इज कॉमन पॉइंट, इट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड दिस इज द वी ओम मिलियामीटर, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव. ओके, देन दिस नॉब इज ओनली फॉर व्हेन वी मेजर अ डीसी करंट, दैट इज अप टू 10 एम्पियर. ओके, एंड दिस नॉब इज यूज फॉर मेजर द वोल्टेज और करंट और रजिस्टर. ओके, सो दिस इज द मल्टीमीटर that we can see in today's lecture only, how to find out the NPN and PNP. Okay, so see, these are the two transistor which are used to find out the NPN or PNP. Okay, so start the first of all we first step is that first condition is that we have to set multimeter in HFE mode. Okay, after that take one transistor. Okay, so this is the transistor and we find out it is NPN or PNP transistor. Okay, so see, these are the three terminals. Transistor has a three terminals. Okay, and this terminal you can see that this is the flat portion and this is the rounded portion. Okay, this it is look like that. Okay, this is the rounded portion and this is the our flat portion. Okay, this transistor, after that we see only we consider the flat side. Okay, from the basis of flat side we can see this is the first mode or first method to find out the NPN or PNP transistor. First of all, this three terminal we have to insert in these three holes. Okay, so first of all I entered in these three holes PNP, that is first is emitter, collector and base. Okay, already you know that the transistor has a three terminal which is called as the emitter, base and collector. So first of all take a transistor on flat side on this portion. Okay, and then insert into three holes. Okay, you can see that emitter, collector and base. Okay, I have insert in PNP emitter, collector and base on flat side is on this side and round side on this side. Okay, so you can see that there is a no reading. Okay, or there is a no showing the numbers. Okay, so this is not a it is not a PNP. okay, ये PNP transistor नहीं है. okay, reading अगर नहीं आया तो PNP नहीं है. so यही transistor मैं अभी क्या करूँगी, NPN में एंटर करूँगी. NPN में एंटर करते समय आपको क्या करना है, ये जो फ्लैट साइड है ये साइड में रखनी है और राउंडेड जो साइड है वो ये साइड में रखनी है. ओके, सो सी आई एंटर्ड इन थ्री होल्स ओके,
So this terminal is emitter, base and collector, and the multimeter will show the reading. Okay, so this is the NPN transistor. So आपको अभी पता चल गया कि ये क्या कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है. अभी आप इस पे से मीन्स इसका स्ट्रक्चर देखने से भी आपको पता चल सकता है कि इसमें से इमिटर और बेस और कलेक्टर कौन सा है. सो आपको क्या करना है, जो भी ये ऐसा अगर ट्रांजिस्टर रहा तो आपको जो है फ्लैट साइड आपको ये साइड में पकड़नी है, और राउंडेड हाफ राउंड जो है वो आपको ये साइड में पकड़ना है. ओके, सो ऐसे अगर आपने रखा तो क्या होगा, जो अभी ये फ्लैट साइड मैंने ऊपर ले ली है और राउंड हाफ राउंड जो साइड है ओके वो नीचे है. सो आपका जो ये टर्मिनल होगा ओके, सो ये जो टर्मिनल होगा बीच में का, ये कभी भी बेस रहता है, और ये जो है ये आपका रहेगा इमीटर और ये रहेगा आपका कलेक्टर. ओके, सो आपको जो फ्लैट साइड है वो ऊपर पकड़नी है और हाफ राउंड जो है वो नीचे रखना है, तो आपको इस पे से भी टर्मिनल्स पता चल जाएंगे, कलेक्टर, बेस और इमीटर. ओके, सो इट इज एनपीएन. और मैंने अभी यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर भी लिया है, ये भी थ्री टर्मिनल्स है. ठीक है, अभी इसको जो है एक साइड में क्या है, नॉच है. ठीक है, अभी नॉच के पास में जो टर्मिनल रहता है ओके, नॉच के पास में जो टर्मिनल रहेगा वो कौन सा रहेगा, इट इज अ इमीटर. ओके, और जो मिडल रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज बेस, एंड जो बचा हुआ है वो रहेगा आपका कलेक्टर. ओके, मींस आपको सिर्फ डिजाइन देखने के ऊपर से अगर आपको टर्मिनल्स पता करने हैं तो कैसे करोगे आप, अगर नॉच वाला टर्मिनल सॉरी ट्रांजिस्टर रहा, सो नॉच के पास का जो टर्मिनल रहेगा ये वाला ओके, तो ये रहेगा आपका इट इज इमीटर, और जो बीच में का रहेगा वो रहेगा बेस, और बचा हुआ रहेगा कलेक्टर. ओके, सो इसका भी हम लोग देख लेंगे, ये एनपीएन है या पीएनपी है. सो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, देखो पीएनपी में एंटर करके देखती हूँ. सो तीनों टर्मिनल्स मैंने एंटर कर दिए हैं, आपको मल्टीमीटर में रीडिंग्स आ रहा है क्या चेक करना है. ओके, सो देखिए मैंने ये साइड में जो नॉच की साइड है ओके, नॉच का साइड का इमीटर में डाला है, बाद में बेस और कलेक्टर में है. ओके, सो आपको रीडिंग शो कर रहा है, सो इट इज अ पीएनपी. ओके, सो ये ट्रांजिस्टर कौन सा रहेगा, पीएनपी रहेगा. अभी ये फर्स्ट मेथड होगी है, अगर मैंने इधर डाला है तो देखो आपको रीडिंग नहीं शो करेगा, दिख रहा है रीडिंग नहीं, सो ये रीडिंग शो नहीं करेगा, तो ये एनपीएन नहीं है. जब भी रीडिंग शो करेगा वो वही ट्रांजिस्टर रहेगा. ओके, उसके बाद में सेकेंड जो मेथड है आपको एनपीएन और पीएनपी की फाइंड आउट करने की, तो वो मेथड है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर. तो मल्टीमीटर आपको क्या, डायोड टेस्ट पे रखना है. हर मल्टीमीटर पे एक डायोड का सिंबल रहता है, उधर आपको रखना है डायोड टेस्ट के ऊपर सेकेंड मेथड में. सो इधर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो. पहले आपको कंसिडर करना है, अगर ये जो मिडल है, मिडल टर्मिनल ये वाला है, सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल लगाती हूँ. ओके, सो ये जो है आपका ये मिडल ट्रांजिस्टर है सॉरी बेस टर्मिनल है, सो यहाँ पे मैंने लगाया, और ये मीन्स पॉजिटिव लगाया मैंने. ठीक है, मीन्स बेस जो है मैंने पी कंसिडर किया है पॉजिटिव, और अभी जो है निगेटिव में दूसरे जो बचे हुए टर्मिनल है उसको लगाती हूँ. तो रीडिंग दिखा रहा है क्या मल्टीमीटर, नहीं दिखा रहा है. दोनों टर्मिनल को लगा के देखना है आपको, नहीं दिखा रहा है.
ओके सो अभी मैं क्या कंसिडर करूंगी, मीन्स ये वाला जो है आपका, सो यहाँ पे मैंने पहले लगा के देखा था पॉजिटिव बीच में का टर्मिनल, ठीक है, और जो जो बचे हुए हैं वो मैंने निगेटिव कंसिडर किए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू नहीं आई थी, नहीं आ रही है, सो मैं अभी क्या कंसिडर करूँगी कि जो बेस जो है मीन्स मिडल जो टर्मिनल्स है वो निगेटिव कंसिडर करके देखती हूँ, और बाकी जो दो टर्मिनल्स है वो आपके पॉजिटिव कंसिडर करूँगी। देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, दोनों इसको आपको लगाना है, ठीक है, सो अगर वैल्यू शो कर रहा है सो ये कौन सा है आपका, दैट इज द पी एन पी, सो ये आपका जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा होगा, पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। अभी जो है सेकेंड मैं देखती हूँ, फर्स्ट यहाँ पे ये फ्लैट साइड मैंने ऐसे रखी है, ओके सो यहाँ पे बीच में कौन सा कंसिडर करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिव, सो मैंने यहाँ पे निगेटिव लगा दिया है, और जो दोनों टर्मिनल्स है उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, सो नहीं आ रही है, मीन्स ये पी एन पी नहीं है, सो अभी मैं मिडल वाला जो है क्या करूँगी, निगेटिव को कनेक्ट करूँगी, और जो साइड वाले हैं वो उसको मैं निगेटिव कंसिडर करूँगी, ओके मिडल वाले को पॉजिटिव कनेक्टेड करूँगी, और जो साइड वाले हैं उसको निगेटिव कनेक्ट करूँगी, सो ये वैल्यू दिखा रहा है, ओके सो मिडल वाला अगर मैंने पॉजिटिव रखा और दोनों इसको निगेटिव कनेक्ट किया तो वैल्यू दिखा रहा है, सो इट इज़ एन पी एन ट्रांजिस्टर, ओके। इन दिस वे ये जो है आपको दो मेथड से आप लोग ट्रांजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हो, ये एन पी एन है या फिर पी एन पी है, ओके। यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नाम है BC547B, ओके ये वाला ट्रांजिस्टर का नाम है, और ये जो मैंने सेकेंड वाला यूज़ किया है इसका जो नाम है SK1009, ओके सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट NPN और PNP ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। थैंक यू।